नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेसी नेता शशि थरूर परिवार समेत हुए सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक। एजीपीसी की ओर से भेजी गई जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए राहत सामग्री। गुरदासपुर हलका के पार्लियामेंट विनोद खन्ना वोटरों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे कस्बा कादिया में। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेसी नेता शशि थरूर आज अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ उनकी मां और बहनें भी मौजूद थी। श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के बाद शशि थरूर ने कहा कि उनकी और उनके पारिवारिक सदस्यों की बड़ी इच्छा थी कि वे श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक हो और आज उनकी ये इच्छा पूरी हो गई है और इस मौके पर उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। Has always wanted to come to this temple. I have never been able to bring her earlier, and now fortunately God has given us this opportunity, and my mother has had a very nice darshan of the Akal Takht, and indeed my sisters who live abroad have also come. So purely family visit, nothing else. I'm not going to talk politics here. नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार के बारे में बोलने का मौका नहीं है। नहीं तो मैं तो आया हूँ भगवान के साथ रहने के, बस यही कहने। जलंधर के सरकारी स्कूल नेहरू गार्डन में पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे लड़कियों के हॉस्टल में कुछ दिन पहले लड़कियों द्वारा हॉस्टल में आ रही मुश्किलों के बाद लड़कियों द्वारा शिकायत करने के बाद आज पंजाब सरकार के मुखिया पार्लियामानी सचिव पवन टीनू ने हॉस्टल का दौरा कर कुछ ही दिनों में वहाँ सब कुछ ठीक करने का वादा किया है। मैं आया, आज मैच देखी है, हॉस्टल देखा बच्चों का, कुड़ियाँ जो बहुत अच्छी खिलाड़ी है, इन्हों सरकार वालों विंग प्राप्त होया है और बच्चों को फूड मिलता है। बच्चों की कोई शिकायत सी फूड संबंधी, एक छत जी वो चाहती है जिते खाना बनता है, वो मैं सारा मौका देख लिया, तो प्रॉब्लम भी सुनिया, कुड़ियों प्रॉब्लम कुछ जेन्युइन है, वो मैं प्रिंसीपल साहब न और साडे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर उन्होंने सारिया डिस्कस कर ली हैं। कुछ तो असं मौके पर ही उन्होंने हल करता, जो रूफ है उपर फर्श है जो उन्होंने मैं इन्हों कह दिता भी जिन्हें भी पैसे लगते इमीडिएटली चेंज करवाओ, उन्होंने समझना पड़ेगा। पर बच्चे का स्टाफ के सामने अपनी गल भी नहीं रखना चाहते, भी तुहाडे नाल गल करना चाहते? हाँ, मेरे उन्होंने गल की है, तो ये गल मैं स्टाफ नाल जरूर करांगा। ये सारिया प्रॉब्लम इन्हां दी, खाने की कुछ घट खाना मिलता सी, ये भी प्रॉब्लम आई है। दो अंडे मिलने, इन्ना चाह मिलेगा, जिनी वो बच्चों चाहिए उन्ना खाना मिलेगा। पैसे जिन्हें फर्श के उत्ते असी पंजाब सरकार वालों वो सीखे। हाँ, कई बार वड्डी ट्रॉफी जी कंबाइंड कोई टीम जीतती है वो स्कूल में रखी जाती है, लेकिन जी इंडिविजुअल ट्रॉफीज है वो बच्चों मिलनी चाहिए। करतारपुर के निजी होटल में एक एनआरआई महिला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला ने पत्रकारों को खुद के साथ हो रही नाइंसाफी के बारे में बताते हुए इंग्लैंड निवासी नुसरत बी ने अपने देवर पर उसका पासपोर्ट फाड़ने और कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया और महिला नुसरत बी ने इस घटना संबंधी पुलिस प्रशासन और एनआरआई थाने की ओर से कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। सेना निर्वीर सेना प्रमुख और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित वीर प्रकाश मलिक लुधियाना में सतपाल मित्तल स्कूल के बच्चों के रूबरू हुए और उन्हें अपने जिंदगी के अनुभव साझे किए। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन राकेश भारती ने मुख्य मेहमान वीपी मलिक का स्वागत फूल का गुलदस्ता देकर किया। वीपी मलिक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के बच्चे इस देश के जिम्मेवार नागरिक और कल के नेता है, इसलिए उनमें अच्छे नेता बनने के लिए आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और आगे बढ़ने की सोच विकसित करनी चाहिए। उसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने वीपी मलिक से सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिनके जवाब मलिक ने बड़ी ही खुशी से दिए। कई और बच्चे थे जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए थे। सो जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करने से हम भी यंग फील करते हैं और पता लगता है कि उनकी सोच कैसी है, तो अच्छी बात है। फंसी हुई नहीं है आर्मी, देखो ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग हुआ है, नेचुरल डिजास्टर की, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल तो था नहीं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज बन गया है अभी हमारे लिए, तो उसके लिए हमको ये सोचना है कि उसको चैलेंज को हम किस तरीके से निभा पाएंगे, उसको क्या कर पाएंगे। और मुझे खुशी है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी और भी हैं जो इकट्ठे मिलके वो अपना इस चैलेंज को उन्होंने
आगे बढ़ रहे। अमृतसर के माहल गांव में लड़कों के लिए बने पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों ने कार से एक युवक को कुचल दिया और हादसे में कुचले हुए युवक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं दूसरी ओर से देहाती पुलिस के अंतर्गत पर्दे थाना कॉम्बोज की पुलिस ने हत्या के बजाय एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया है और पुलिस द्वारा हत्या के बजाय एक्सीडेंट का मामला दर्ज करने पर गांव माहल के सैकड़ों लोगों ने कई घंटों तक माहल बाईपास चौक पर युवक का शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस कारण बाईपास पर काफी देर तक जाम लगा रहा। धरने का पता चलते ही एडीसीपी दलजीत सिंह ढिल्लो ने मौके पर पहुंचकर धरना दे रहे लोगों को विश्वास दिलाया कि मामले की दोबारा जांच की जाएगी और साथ ही थाना कॉम्बोज के प्रभारी को आदेश दिया कि वे मामले की दोबारा जांच करें। ये मामला सर साढ़े पिंड दे विच एक कोठी पीजी जिहड़े यूनिवर्सिटी के लड़के ने उन्होंने महल्ले वाले जिहड़े बड़े दुखी हुए ने ते पहला भी महल्ले वाले ने इन्हां दीआं कई रिपोर्टां कीतीआं ने वो बिटू नूं भी तू साडा भरा आ। ये कम से कम डेढ़ महीना हो गया जी। उस तो बाद बिटू नूं फोन किया, बिटू आया जी ते बिटू ने सानू साइड ते कर लिया और कुड़ी भी भजाती ते मुंडे भी भजा दिता। जाम लाउण तों बाद हुण पुलिस दे अफसर आए ने, हुण उहनां ने सानू यकीन दवाया भी चलो अहीं जो भी कार्रवाई कहिंदे जे जो बनदी कार्रवाई उहनां ते करांगे, लेकिन अजे तक चलो जी जो गांह होएगा फिर वेखी जाऊगी अजे ते कोई। ये जी जदों पुलिस बेइंसाफी करदी आ फिर लोकां दे नाल जदों इंसाफ नहीं किहदा, जवान पुत इदां वेखो जी शरेआम कुचल के मारिया जांदा ते पुलिस कहिंदी एक्सीडेंट केस आ। मेरा नाम बहादुर आ, जो कि मेरा भरा वड्डा, मैं ते अहीं दोवें सड़क दे कंडे ते खड़े सी ते पिछों बड़ी तेज रफ्तार नाल चिट्टे रंग दी कार आई ते उहने आ के भरा मेरे दे विच बहुत तेज टक्कर मारी, जो कि 5 to 6 feet बुड़किया। जदों थले डिगा उहने फिर बैक लैके जाके कार दुबारा उपर लैके चढ़ाई, जिहदे कारण उहदी मौके ते डैथ हो गई। पुलिस अजे तक तो कोई कीती नहीं, भरोसा दवाया कि जल्दी तो जल्दी उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाएगा। साडी मांग है कि उन्हां दे उत्ते 302 दा परचा किया जाए, सानूं इंसाफ दवाया जाए। नां दा बंदा है, उन्हें यूनिवर्सिटी जॉब करता, उन्हें मुंडे रखे हुए पी जी अपना घर में। माल के पिंड लोगों ने पहला भी कई बार समझाया भी इतने गलत काम होंगे, भी ज़्यादा मुंडे कटते जाने समझा भी ये कम ना कर, वो बावजूद भी वो नहीं समझे। तो रात पिंड ने जो कोई गलत हरकत हो रही थी इन्होंने उन्होंने समझाया भी माल मकान भी बुलाया, उत्थे माल मकान भी आ गया। उस बचण दे मारे मुंडिया ने एक विचों कार वाले ने जिहड़ी आ आसा सिंह नाम के एक मुंडे दे कार चढ़ाती, जिस करके उहदी मौत हो गई। इस बार लोगों का गुस्सा सीगा वो हो गया ठीक ने, हुण सैटिस्फाई ने बस चुका देने। जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के लिए जहां पूरे देश में सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए हैं, वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी राहत सामग्री भेजकर मदद के लिए आगे आई है। जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों के लिए लंगर और कंबल इत्यादि को आज अमृतसर एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए रवाना किया गया और एसजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि देश में जब भी कोई आपदा आती है तो एसजीपीसी मानवता की सहायता के लिए हमेशा आगे आई। बहुत बड़ी कुदरती आफत जड़ी है जम्मू कश्मीर दे विच आई है, इहदे विच बड़ी वड्डी पीड़ा समुची मनुखता नूं, चाहे वह किसी धर्म का किसी जात का किसी वर्ग का, महाराज के पावन स्वरूप भी जिहड़े ने उन्होंने बचा के उपरलियां मंजलां ते पहुँचाए हुए हैं। और बाकी दो गुरद्वारे बची है जिथे साडा कैंप जिहड़ा गुरद्वारा शहीदगंज है और जिहदे प्रधान गुरजीत सिंह किंग ने और ये सारे उत्थे उन्होंने कैंप लाया होया, उत्थे जिहड़ी संगत आ रही है काफ़ी हज़ारों की गिनती संगत उत्थे आ रही है और ऑलरेडी उत्थे 4-5 हज़ार बंदा ठहरे होया अपने अस्थाना दे राही, क्योंकि हर थां गुरद्वारा साहिबान बने हुए ने, हर थां धार्मिक स्थान ने, हर थां धार्मिक जथेबंदियां ने। वो जिते कितने भी ये कोई इस तरह की घटना घटती है और सिख तो उत्थे पहुँचते ही है। तो मेरी अपील है कि दिल्ली पाकिस्तान सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है वो भी अपने तौर पर जरा वो यतन करे और अपना उसे जिथे जिथे उत्थे फ्लड आए ने नुकसान हो रहा पहुँचाए उन्होंने जिस किसी चीज़ की जरूरत है सानू इतला देवे, असी उत्थे भी राशन कपड़े कंबल जो भी वो सानू रिक्वायरमेंट भेजते हैं असी उन्होंने उत्थे बार्डर के राय भेजने तैयार हैं। लोकसभा हलका गुरदासपुर से पार्लियामेंट विनोद खन्ना अपनी जीत के बाद विधानसभा हलका कादिया में वोटरों का धन्यवाद करने के लिए गांव सेखवा में एक रैली में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ सेवा सिंह सेखवा भी मौजूद थे।
इस मौके पर विनोद खन्ना ने वोटरों का धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हल्के के विकास के लिए हर संभव जतन करेंगे। मुद्दा तो अज यह जिवें खन्ना जी ने पहला ही दस्या कि बड़ी वड्डी मेहरबानी आ जिला गुरदासपुर ते पठानकोट दे लोकां दी जिन्हां ने इस टाइम ते खन्ना जी नूं 1,37,000 वोट दे फर्क नाल जताया और हराया किनू आ जिहड़ा पंजाब प्रदेश कांग्रेस दा प्रधान आ ते जिहड़ा आप दा स्टेट दा कन्वीनर आ। और होर हैरानी दी गल आ कि इह ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਔਰ 4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡ ਆਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਐਤਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਯੂਨੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਾਲ ਚ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता और बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की सहायता के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कमर कस ली है। एसजीपीसी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में हालात स्थिर नहीं हो जाते तब तक एसजीपीसी अपने राहत कार्य ऐसे ही जारी रखेगी। इतना ही नहीं बाढ़ प्रभावित लोगों के इलाज के लिए श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं जहां बाढ़ प्रभावित लोगों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। और इतना ही नहीं बाढ़ के कारण जम्मू कश्मीर से आए लोगों के रहने और लंगर की व्यवस्था करने का ऐलान भी एसजीपीसी ने किया है। इसके अलावा एसजीपीसी के सभी मुलाजमों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता के लिए 2 दिनों का वेतन देने की घोषणा की है। इसी तरह के हालात बने हुए लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕੰਬਲ 600 ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਭੇਜਿਆ ਸਰਪਾਓ ਭੇਜਿਆ 400 ਨਾਲ ਨਿਊਟਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ 4 ਤੋੜੇ ਸਾਬਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਬੰਦੇ ਲਈ 5,000 ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮਾਲ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ओर से डायरेक्टर ऑफ रिसर्च की ओर से परमाणु ऊर्जा पर एक सेमिनार का आयोजन करवाया गया। यह सेमिनार केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग के डायमंड जुबली के संबंध में करवाया गया।
इस सेमिनार में परमाणु ऊर्जा से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इस सेमिनार में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और अलग अलग स्कूल से आए हुए बच्चों ने भाग लिया और परमाणु ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त की। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम फूटा गया, उसमें बहुत सारी गलतफहमियां हो गई कि एटॉमिक एनर्जी सिर्फ बम नहीं बरती जाती, पर एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे मेडिसिन दे विच, मटेरियल साइंस दे विच, एग्रीकल्चर दे विच, पावर जनरेशन दे विच और मेडिसिन दे विच, कैंसर दे इलाज करने दे विच, ये बहुत सारे यूज ने साइंस दे विच। इसलिए सानू इन्हां नूं लोकां नूं पूरा ये अवेकनिंग करवानी चाहिए कि ये की फायदे, जिवें MRI है, ये भी एक तरह न्यूक्लियर मैगनैटिक रेजोनेंस है। न्यूक्लियर वर्ड तो ट्रीट किया गया कि जैसे न्यूक्लियर लाता तो लोगों ने ये इमेज नहीं करना, बॉडी का MRI नहीं लाना। देखना चाहिए कि जिन्हें सारी बिजली की एनर्जी की डिमांड है उस कि सैक्टर तो पूरी कर सकते हैं। इसलिए इस एनर्जी में डिमांड में पूरा करने लिए जी साड़ी न्यूक्लियर एनर्जी है या न्यूक्लियर पावर प्लांट ने वो सानू लगाने चाहिए ने और उन्होंने वेस्ट में भी अच्छी अच्छी तरह प्रोसेस करना चाहिए। इसलिए एटॉमिक एनर्जी जी आई सामने से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्व है। साढ़े अमृतसर के बच्चे ने, यूनिवर्सिटी के बच्चे ने, स्कूलों के बच्चे ने जिन्होंने ये हिस्सा लिया और उन्होंने ये बारे अवेकनिंग कराई जा रही, जानकारी कराई। आज अमृतसर रंजीत एवेन्यू के पासपोर्ट ऑफिस के उच्च अधिकारी GS Odi ने 500 पेंडिंग बड़े केसों में से 410 केसों का निपटारा मौके पर ही कर दिया और इस मौके पर GS Odi ने कहा कि जो केस बाकी रह गए हैं उनको दो बार लेटर भेजी जाएगी, अगर उनकी ओर से फिर भी कोई जवाब नहीं आता तो उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और जिनके कागजात पूरे नहीं हैं अगर वे अपने कागजात पूरे कर लेते हैं तो उनके केसों का निपटारा 10 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। अमृतसर मेरे एक्चुअली नेम चेंज की प्रॉब्लम थी तो मेरा पासपोर्ट पिछले एक साल तो रुकया हुआ सी तो हुण उन्होंने करता क्लियर। हाँ जी सर, 10 दिन का टाइम तो फरीदकोट तो एक्चुअली मेरा पासपोर्ट अटलांटा तो बनया हुआ सी, फर्स्ट इतों बने, सैकेंड उतों बनया सी, वो कह रहे थे तो इनक्वायरी नहीं आई, 2-3 बार 4 बारी पहला आए, वो कह रहे 10-15 दिन के अंदर अंदर थोड़ा पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस अमृतसर टाइम टाइम ते पासपोर्ट लोक अदालत ते पासपोर्ट मेला लगाता रहता है। इस साल असी 5 पासपोर्ट मेले ते 5 ही पासपोर्ट लोक अदालत लगाईया है और अज 6वीं पासपोर्ट लोक अदालत है। पासपोर्ट लोक अदालत लगाने का मकसद साडा यही है कि जिन्हें पासपोर्ट एप्लीकेशनस साडे ऑफिस पेंडिंग ने उन्होंने असी क्लीयर करिए। हले कैलकुलेट नहीं किया कि किन्ने लोगों के मसले हल हो गए हैं, पर बहुत लोगों के मसले हल हुए ने और कुछ लोगों के मसले असी हल कर दिते ने, पेनल्टी पेमेंट करके उन्हों का केस क्लीयर कर दिता है। सर कोई मैसेज देना चाहोगे इस बारे? मैं सारे पासपोर्ट एप्लीकेंट्स नूं यही रिक्वेस्ट करांगा कि जिस वेले असी पासपोर्ट लोक अदालत ते पासपोर्ट मेला लगाने हैं तो उसका फायदा चुकन, अपने डॉक्यूमेंट्स लैके आन और टाइम के उत्ते साडे ऑफिस आन ताकि असी उन्हां नूं पासपोर्ट्स उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके पासपोर्ट्स इश्यू कर सकिए। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेसी नेता शशि थरूर परिवार समेत हुए सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक। SGPC की ओर से भेजी गई जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए राहत सामग्री। गुरदासपुर हलका के पार्लियामेंट विनोद खन्ना डॉक्टरों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे कस्बा कादिया में। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।